जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को मेरी वैष्णो देवी टूर गाइड वाली वीडियो में बताया था कि वैष्णो देवी कटरा के होटल्स के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक अलग से व्लॉग लेकर आऊँगा, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वैष्णो देवी के 5 बेस्ट बजट होटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को होटल्स ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए और आप लोगों को वैष्णो देवी में होटल लेने में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों लेते हैं माताजी का नाम और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला होटल है वो है दोस्तों देवी एम्पायर होटल। दोस्तों यह होटल रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है। 340 मीटर की दूरी कटरा रेलवे स्टेशन से इस होटल के लिए आपको लगेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जो रूम्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों कि आप लोगों को एक सिंपल सा डिलक्स रूम मिलेगा दोस्तों, नॉन एसी वाला, जिसका कि प्राइस आप लोगों को रहेगा दोस्तों 1000 रुपये। उसके बाद में दोस्तों जो उससे अच्छा वाला रूम है और बड़ा रूम है उसके रहेंगे दोस्तों आपके लिए 1225 रुपये। इसी तरह दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर ब्रेकफास्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल। फैसिलिटीज़ की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, एसी वाले रूम मिल जाएंगे, रूम सर्विस मिलेगी, पावर बैकअप है, ट्रांसफ़र में दोस्तों आपको शटल सर्विसेज मिलेगी, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है दोस्तों, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन ट्रांसफ़र है, पेट पिकअप एंड ड्रॉप भी है दोस्तों, किड्स प्ले एरिया भी आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बेकरी, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, किड्स मील की फैसिलिटी भी आप लोगों को इस होटल में मिल जाएगी दोस्तों। यह एक बहुत ही अच्छा होटल है जहां पर कि दोस्तों सभी गवर्नमेंट रूल्स का पालन बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है, साफ़ सफाई हाइजीन का पूरी तरह से यहां पर ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट होटल की तरफ जो कि है शान गेस्ट हाउस। दोस्तों यह होटल यात्रा पर्ची काउंटर के पास में ही आपको मिलेगा। यह दोस्तों सिर्फ 2 या 5 मीटर की दूरी पर आपको कटरा बस स्टैंड से ही नज़र आ जाएगा। दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पे रूम टैरिफ चार्जेस की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे केवल एक ही तरह के नॉर्मल रूम्स अवेलेबल है जिनका कि टैरिफ दोस्तों आप लोगों को 800 रुपीज़ पर नाइट रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है जो कि दोस्तों आप लोगों को कटरा में कुछ कम ही होटल्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पर कि आप लोगों की व्हीकल सेफली खड़ी हो सके। फैसिलिटीज़ की अगर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको स्टाफ भी हाइजेनिक मिलेंगे, सैनिटाइज़र पूरे दिन यहाँ पे होता रहता है दोस्तों, पावर बैकअप आपको मिलता है, बाथरूम मिलता है दोस्तों, पार्किंग फैसिलिटी तो मैंने आपको बताया ही, इंटरकॉम भी मिलेगा दोस्तों आपको, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है दोस्तों, CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी, लगेज स्टोरेज, लगेज असिस्टेंस, टिकट वगैरह का, टूर असिस्टेंस, कैब फैसिलिटी वगैरह भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही ये लोग दोस्तों माताजी की चढ़ाई तक आप लोगों को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले बजट होटल की तरफ जो कि है शालीमार लॉज। दोस्तों इस होटल की मैं आप लोगों को लोकेशन बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही अच्छी है। यह दोस्तों बाणगंगा रोड पर स्थित है, कटरा बस स्टैंड से 700 मीटर की दूरी पर आपको यह होटल मिलता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यदि हम लोग रूम टैरिफ की बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों जो रूम टैरिफ है वो 800 रुपये से लेकर आपको 1400 रुपये तक के अलग अलग रूम्स मिलते हैं। और दोस्तों यदि हम लोग यहीं पर फैसिलिटीज़ की भी बात कर ले तो इस होटल में भी दोस्तों आप लोगों को सभी वो फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो कि दूसरे होटल्स में मिलती है, बट एक्स्ट्रा में दोस्तों जो आप लोगों को मिलता है वो है दोस्तों कि यहाँ पर आपको स्मोकिंग रूम भी मिल जाता है। हो सकता है कि आप लोग फैमिली के साथ में आए हों तो आप लोगों के लिए दोस्तों यह होटल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप लोग स्मोकिंग रूम में आराम से स्मोक कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों स्मोक नहीं करें तो अच्छा है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर हाइजीन फैसिलिटी फुल मिलेगी, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड पेमेंट की फैसिलिटी भी मिलेगी। और इसके जो होटल्स हैं दोस्तों वो फुल फर्निश्ड और बड़े बड़े रूम्स यहाँ पर हैं जो कि आप लोगों के रुकने के लिए बहुत ही आरामदायक और एक सुकून भरे लम्हा आप लोग यहाँ पे जी सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह इसके पास में ही मार्केट जो है कटरा का वो बहुत ही पास में है, तो आप लोग जैसे ही आपको वक्त मिले शॉपिंग करने भी जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले होटल की तरफ जो कि है दोस्तों परीन श्री राम होटल। यह होटल दोस्तों कटरा हेलीपैड के पास में स्थित है, 610 मीटर रहता है दोस्तों ये कटरा रेलवे स्टेशन से। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टैरिफ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो रूम्स हैं वो दोस्तों करीब 700 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है और डबल रूम्स का टैरिफ जो है दोस्तों वो करीब दोस्तों 1200 रुपये तक जाता है।
आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस होटल के अंदर फैसिलिटीज़ आपको सारी हाईटेक मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी मिलेगा जहाँ पे कि आप लोग जाके खाना खा सकते हो। इसके लिए आपको दोस्तों खाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों अगर और फैसिलिटीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे फ्री पार्किंग मिल जाएगी, वाईफाई मिल जाएगा, एसी रूम, रूम सर्विसेज, पेड पिकअप एंड ड्रॉप ट्रांसफ़र्स, पेड शटल सर्विसेज, पेड रेलवे स्टेशन ट्रांसफ़र्स, पेड एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स वगैरह की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। लगेज रूम भी आपको मिलेगा दोस्तों। रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया भी आपको यहाँ पे मिलता है। और सिक्योरिटी की यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लस दोस्तों 24 आवर सिक्योरिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों अगर कोई परेशानी आती है तो ये लोग आपको पूरी तरह से असिस्ट करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले होटल की तरफ जो कि है दोस्तों ओम करण रेसिडेंसी। यह होटल दोस्तों कटरा मार्केट के वहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से दोस्तों इसकी ज़्यादा दूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है दोस्तों कि जैसे ही आप लोग इस होटल से बाहर निकलोगे आप लोगों को दोस्तों कटरा का मेन मार्केट दिखाई देगा जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर अगर दोस्तों अब हम लोग रूम टैरिफ की बात करें तो करीब 700 से स्टार्ट हो गए दोस्तों, 1200 से 1300 रुपये तक में जाता है यहाँ के रूम्स। यहाँ पर दोस्तों सभी रूम फुल एसी हैं तो आपको दोस्तों एयर कंडीशनिंग की कोई भी प्रॉब्लम लेने की या फिर टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। प्लस दोस्तों इस होटल के बाहर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पार्किंग आप लोगों को मिलेगी जो कि होटल वालों के लिए दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। आपका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री शटल सर्विसेज, व्हीकल रेंटल्स भी ये लोग देते हैं दोस्तों, फ्री वाईफाई, एसी। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर रूम सर्विस फुल मिलेगी। फ्री शटल सर्विसेज तो मैंने आपको बताया ही दोस्तों, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी है। इन हाउस रेस्टोरेंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर भी 24 आवर्स की सिक्योरिटी है जिससे कि आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। आप और आपका सामान यहाँ पर फुल सिक्योर रहेंगे दोस्तों। प्रॉपर्टी के जो दोस्तों यहाँ पर सभी होटल्स के एक जैसे ही रूल्स हैं, वो कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि गेस्ट विथ फीवर आर नॉट अलाउड, गेस्ट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन्स आर नॉट अलाउड, अनमेरिड कपल्स आर नॉट अलाउड हियर, ऑफिस आईडी, पैन कार्ड एंड नॉन गवर्नमेंट आईडीज आर नॉट एक्सेप्टेड एज आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एंड गवर्नमेंट आईडीज आर एक्सेप्टेड एज आईडी प्रूफ, प्रॉपर्टी स्टाफ इज ट्रेन ऑन हाइजीन गाइडलाइन दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपको और भी गाइडलाइंस बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर करीब करीब सभी होटल्स में पेट्स आर नॉट अलाउड, आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड इन प्रॉपर्टी परमिसेस, प्रीमाइसिस, स्मोकिंग विद इन द प्रीमाइसिस इज नॉट अलाउड अदर देन द स्मोकिंग रूम, डज नॉट अलाउ प्राइवेट पार्टीज और इवेंट्स इन द होटल्स, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड एज पर द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो दोस्तों कृपया आप लोग इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखें। आप लोग एक पावन नगरी में जा रहे हैं दोस्तों, आराम से अपने दर्शन कीजिए, माता की भक्ति में लीन हो जाइए और बोलिए दोस्तों जय माता दी। साथ ही दोस्तों आज की यह वीडियो का मैं इसी तरह अंत करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी, साथ ही आप लोगों को यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग फुल वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।